नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान सहचरी में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोई बतलाने वाला खास इन्फॉर्मेशन संबंधित या स्टडी संबंधित कुछ बतलाऊंगा नहीं। दोस्तों, इसमें यह है कि मैं आप सभी के साथ यह शेयर करना चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एज ए प्राइमरी टीचर के रूप में हुआ है, जिसका ज्वाइनिंग लेटर अभी तो नहीं कर सकते हैं, इसे अपॉइंटमेंट लेटर कहेंगे, जिसका प्रारूप मैं आपको दिखलाता हूं कि कैसा केएमसी के तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर आता है और इसका क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट किया जाता है। ऐसे भी ये वीडियो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके लिए जो अभी दूसरे सेक्शन में, जैसे कि परिवेश बंधु हो गया या मजदूर हो गया या किसी अन्य पोस्ट के लिए अंडर केएमसी के बहाली होने वाले हैं, तो उसमें उनका इंतज़ार है कि अपॉइंटमेंट लेटर कैसे आता है और कब आता है, तो ये तमाम प्रकार के ये जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए, मैं आपको इसके बाद, ये है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर का ऊपर का जो लिफाफा बाई स्पीड पोस्ट के द्वारा आया है, वो जो आप देख पा रहे हैं, इसके बाद मैं आपको लेटर की तरफ ले चलता हूँ। ये है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ये है अपॉइंटमेंट लेटर। जब आप एग्ज़ाम, इंटरव्यू ये सब हो जाता है, तब उसके बाद आपका वेरिफिकेशन के लिए एक लेटर जाता है, जो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिससे आपका आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। इस प्रोसेस में आपका क्या है कि जो लेटर में आपको यहाँ दिखलाया जा रहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर हिंदी इन द कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए ये लेटर आया है, और इस लेटर में आप देख पा रहे हैं कि जो रिफरेंस नंबर है, वो जो एडवर्टीजमेंट निकला था WBMSC वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन के द्वारा, उस नोटिफिकेशन का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो खास लिखा गया है कि जैसे कि विथ रिफरेंस टू योर एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन या इंटरव्यू इन कनेक्शन विथ द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर हिंदी इन कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड एज पर अप्रूवल ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर डेटेड 26/2/2021, आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट टू यू appear with all relevant testimonials and certificates in original along with their self-attested photocopies for necessary verification at Division 5 under Personnel Department within 10 days from the date of receipt of the letter. However, it clarified that the candidate will not to be entitled for any TA/DA accommodation for the end of KMC. मतलब कि आपको इस लेटर में बतलाया जा रहा है कि 10 दिनों के भीतर आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ मिल जाता है, तो उसमें वेरिफिकेशन करवा लेना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाना होगा, और इस तरह से आपका नेक्स्ट फिर ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा, और ज्वाइनिंग लेटर में आपको केवल उस दिन बतला दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर ज्वाइन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हिंदी टीचर के रूप में सिलेक्शन हुआ है, तो हिंदी टीचर के रूप में ज्वाइनिंग लेटर में आपको बता दिया जाएगा कौन सी स्कूल में, कौन से जगह पर और कब होगा, ये एक इसके बाद लेटर आएगा। तो यहाँ तक आपका 90% काम हो चुका है, 10% केवल आप इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद देन आपका ज्वाइनिंग लेटर आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को यह भी बतलाना है कि जो दोस्तों अगर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपना किसी अन्य पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हुए हैं, तो उनका अगर वेरिफिकेशन लेटर नहीं आया है, तो उनको यह बतलाना था कि वेरिफिकेशन लेटर का यह प्रारूप है, जो कि आपको स्पीड पोस्ट के जरिए आ जाता है आपका रिजल्ट फाइनल निकलने के बाद। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।